महाराष्ट्र विधान परिषद की कुल 9 सीटों के लिए 21 मई को चुनाव होना है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास कुल 143 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उद्धव के पास कुल चल संपत्ति 24,14,99,593 रुपए की है, जबकि चल संपत्ति के मामले में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे उनसे भी आगे है। रश्मि की कुल चल संपत्ति 36,96,99,455 रुपए है। उद्धव ठाकरे के पास कोई कार नहीं है। ठाकरे पर कर्ज समेत 15,50,00,000 रुपए की देनदारियां भी हैं। सीएम ठाकरे कुल 2 बंगलों के मालिक हैं, साथ ही उनके खिलाफ कुल 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं।